नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सरकार किसानों के साथ है और उनकी फसलों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि नुकसान का सर्वे कराकर बीमा दिलवाया जाएगा और जिसमें खेत को इकाई मान करके ये बीमा की रकम दिलाई जाएगी। मध्य प्रदेश में इस बार भारी बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है और क्या कुछ रूपरेखा प्रक्रिया है, इस पर बात करने के लिए कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के कमल पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब नुकसान हुआ है, किस तरह सर्वे के निर्देश दिए गए हैं, कब तक सर्वे होगा? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के निर्देशानुसार हमने सभी कलेक्टरों को, सभी DDS को निर्देश दे दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर पटवारी और कृषि विभाग और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से जाएगा, वीडियोग्राफी करेगा, किसान स्वयं खड़ा होगा खेत में, गांव के पंच लोग रहेंगे, पंचनामा बनाएंगे और नजरिया आकलन करके देखेंगे कि कितने खेत में, कितने हेक्टर में नुकसान हुआ, उसका वहीं पंचनामा बनेगा। किसान खुद हस्ताक्षर करेगा, पांच लोग गांव के हस्ताक्षर करेंगे, हमारे पटवारी और कृषि विभाग के हस्ताक्षर होंगे, एक कॉपी हम किसान को देंगे, एक कॉपी हमारे विभाग के पास रहेगी, ताकि किसान को और 72 घंटे के अंदर जिले को अधिसूचित कर देंगे और बीमा कंपनी को सूचित करेंगे, बीमा कंपनी के लोग भी साथ में मौके पर नजरिए, उनके भी हस्ताक्षर होंगे, ताकि हम किसानों को 25% राशि तत्काल दिला दें और बाकी फिर आने वाली फसल आने के बाद उनको दिलाए, ताकि 100% किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी क्षति की हम पूर्ति कर सके। यह सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में यह संकट हमारा है और हम किसानों को पूरी राहत देंगे। किसानों को घाटे में कई बार ये होता है, सरपंच के घर पर बैठकर ही सर्वे हो जाता है और उससे बीमा की राशि नहीं मिल पाती। वो राज्य में होता था, 20 रुपए 10 रुपए नहीं मिलते थे। हमने RBC 6-4 में जब मैं राजस्व मंत्री था परिवर्तन किया था, जहाँ 5 करोड़ नहीं मिलते थे, 5,000 करोड़ मिल रहे हैं। बीमा कहीं 1 रुपया नहीं मिलता था, आज 1,000 करोड़ दे रहे हैं। कांग्रेस ने 15-18 महीने राज किया, 1 नया पैसा किसानों को नहीं दिया बीमा का, कुंडली मार के बैठे थे कमलनाथ जी। हमने आते से ही दिए 9,286 करोड़, 20,47,67,000 किसानों के खातों में डाले हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। क्या डेडलाइन है सर, कब तक किसानों को बीमा मिलना शुरू हो जाएगा और कब तक मिलेगा? जल्दी जल्दी, अभी 25% तो हम इसी महीने में दिला देंगे और बाकी मार्च के अंदर कर देंगे, मार्च तक सारा बीमा। बिल्कुल। तो किसानों को मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है और बीमा कंपनियों द्वारा ये सर्वे जो कराया जाएगा, खेत को यूनिट माना गया है और मार्च तक तमाम बीमा की राशि जो है नुकसान की भरपाई वो सरकार कर देगी।